मुबारकबाद। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आपने बहुत अच्छा गीत गाया। खुदा की रहमतों में हम लोग चलेंगे थोड़ी देरी के लिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन जो है वो आने वाला है और हम लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं कि सचमुच में ये बड़ा दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा दिन हो। खुदा की बरकतों में बने रहेंगे, खुदा की नजदीकी में बने रहेंगे कि खुदा आपको सचमुच में बहुत सारी बरकतें दे। ध्यान मेरे पे रखिए और खुदा की नजदीकी में जाए। मैंने एक बार आपको कलाम सुनाया था कि हे बेतलहम, तू सारे शहरों में, तू सारे देशों में एक छोटा सा देश है और तू उन देशों में गिना भी नहीं जाता, पर तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो सारी कौम की रखवाली करेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो उसका राज्य जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ। वो बैतलहम में आया और लोगों ने उसका इनकार किया। लिखा गया था कि है बैतलहम, तू छोटा जरूर है, पर तुझ में से एक राजा निकलेगा, एक महाराजा निकलेगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका राज्य जो है वो कभी भी खत्म ना होगा। आज 21 तारीख है और मंगलवार का दिन है। हम बड़ी तेजी से 21 आ गई है, फिर 22, 23 और फिर 24 आ जाएगी। आज मैं आपको बैतलहम के बारे में बताऊंगा कि बैतलहम वासियों ने उस खुदा के बेटे के साथ क्या किया। आज बैतलहम का प्रचार होगा। आने वाले दिनों में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। मेहरबानी से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 24 तारीख तक आपको ये वचन जो है ये कलाम दिखाऊंगा। पहला आज है बैतलहम में मसीहा के लिए जगह नहीं। आज का कलाम जिस बैतलहम के लिए लिखा गया था कि हे बैतलहम, तू छोटा है पर तुझमें से एक राजा निकलेगा। वो राजा उनके पास आया और लोगों ने उसके लिए अपना मन, अपना दिल, अपने दरवाजे नहीं खोले। दूसरा प्रचार होगा। कटरियों ने कहा आओ हमसे देखें, ये कल होगा, ये कल का डिवोशन होगी, कल का प्रचार होगा। उन्होंने आपस में मिलकर कहा कि आओ हम मसीहा को देखें, ये कल के लिए। उससे अगले जो सितारा पूरब में चमका था वो सितारा चरनी के ऊपर आकर के ठहर गया। और चौथा 24 तारीख को प्रचार होगा। उसका निशान ये होगा कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो ये 24 तारीख तक का प्रचार मैंने आपको ध्यान दिया है। मेरे साथ बने रहिएगा ताकि हम इसकी नजदीकी में चले जाएं, इसकी परिधि में चले जाएं। तो आज का जो प्रचार है वो ये है कि क्योंकि उनके लिए बैतलहम की चराय में जगह नहीं थी। लुका 2 उसका 7वां अध्याय, दूसरा अध्याय, 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, क्योंकि उनके लिए बैतलहम की चराय में जगह नहीं। पढ़िए। क्योंकि उनके लिए चराय में जगह ना थी
राजाओं का राजा इस दुनिया में आया, बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आया, मसीहा इस दुनिया में आया और बैतल हम में उसके लिए जगह नहीं। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, अगस्तुस कैसर का हुक्म हुआ कि सारे लोग अपने अपने बुजुर्गों के शहर में चले जाएं और अपनी नाम लिखवाई करें। बहुत सारे चल गए। यूसुफ भी, क्योंकि वो दाऊद के नगर बैतलहम का था, इसलिए वो अपनी बीवी को लेकर के साथ चल गए। अगस्तुस कैसर का हुक्म हुआ, बैतलहम शहर आया और उस शहर में रोशनियां ही रोशनियां, चकाचौंध करने वाली रोशनियां। बैतलहम बहुत सजा हुआ था। बैतलहम में आज एक मेला लगा हुआ, बहुत सारे लोग, सारे देशों के लोग वहां पर अपने नाम लिखवाई के लिए बैतलहम में आए हुए थे। सारे संसार की जो नजरें थी वो बैतलहम पे थी। लोग सारे इकट्ठे थे, सारे होटल, सारे मोटल, सारी रेस्टोरेंट और सारी सराएं जो थी वो भरी हुई थी लोगों के। बहुत लोगों की चहल पहल थी। लोग कोई इधर से आ रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई किसी से मिल रहा था, कोई किसी से मिल रहा था। अजीज दोस्त रिश्तेदार आपस में मिल रहे थे। ये बैतलहम का नजारा था और उस भीड़ के अंदर एक बहुत गरीब आदमी अपनी बीवी को साथ लिए हुए दर दर की ठोकरें खा रहा था। वो हर दरवाजे पर जाता, लोगों से कहता, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, थोड़ी सी जगह दे दो। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अगले दरवाजे का रास्ता जो है वो दिखा दिया। राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह इस जगत में आने वाला था, पर लोगों ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला है। बहुत सारी जगहें थी, लोग रोशनियों में मसरूफ थे, लोग खाने पीने में मसरूफ थे, लोग अपने अजीज दोस्तों रिश्तेदारों के मिलने में लगे हुए थे, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया, खुदा का कलाम याद नहीं आया कि हे बेतलहम, तू छोटा जरूर है पर तुझ में से एक राजा निकलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और उस अधिपति को किसी ने नहीं देखा। माय डियर फ्रेंड्स, आसमान में फरिश्तेगण स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, तुरहियां फूकी जा रही थी, लोगों को बताया जा रहा था कि आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने आवाज को नहीं सुना, किसी ने आसमान की तरफ नजरें उठा के नहीं देखा कि आसमान में क्या हो रहा है। सबकी नजरें जमीन पर थी, सबकी नजरें उस चकाचौंध कर देने वाली लाइट्स की तरफ थी, रोशनी की तरफ थी, किसी ने आसमान में उठ करके नहीं देखा। वो हर दरवाजे पर जाता, वो खटखटाता, दरवाजा खोलो, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि आगे दूसरे का रास्ता बता दिया। ये उन लोगों का मन है, उन लोगों का विचार है। खुदा खुद इस जहान में आया और लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। ये इसीलिए हुआ है कि खुदा का वचन पूरा हो। वो स्वर्गों से उतरी हुई रोटी थी, लोगों ने उस रोटी को लेना नहीं चाहा। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो इस रोटी से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। लोगों ने उस रोटी को लेने से इनकार किया, उस रोटी को नहीं लिया। खुदा का कलाम पूरा हो, खुदा का वचन पूरा हो, खुदा की बातें पूरी होगी, परमेश्वर के शब्द जो है वो पूरे होंगे। लिखा गया है कि हे बैतलहम, कुछ में से एक अधिपति निकलेगा, लोगों ने नहीं सुना, नहीं जाना। उस रोटी की कोई सुंदरता नहीं थी,
वो अच्छी नहीं लगी, लोगों को अच्छी नहीं लगी, लोगों ने अगले घर का रास्ता दिखाया। यशाया की किताब में जो सुसमाचार हमें बताया गया, जो खुशी का पैगाम हमें दिया गया, किसने सुना है? हम फॉर्मल हो गए, हम अपने आप को दिखावे में ले गए और सचमुच में खुदा की रोशनी को, खुदा की बातों को कबूल नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कहता है कि किसने विश्वास किया है? Who believe in the word of the God? किसने कबूल किया? यशाया 53 की पहली आयत बयान करती है, पढ़िए जरा जोर से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता। आप मुझसे बड़े, बहुत बड़े लोग खड़े हैं यहां, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा समझदार लोग खड़े हैं। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, ना ही कर सकता हूं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर के शब्द कहते हैं, जो शुभ समाचार आपको दिया गया किसने विश्वास किया? बैतलहम जो नाम है वो रोटी का शहर, उसे रोटी का शहर, उसका मतलब होता है रोटी का शहर। उस रोटी के शहर में स्वर्गों से उतरी हुई रोटी आई, लोगों ने नहीं लिया। किसने विश्वास किया? खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी इस जगत में आने वाली थी। आज बैतलहम पे प्रचार होगा कि बैतलहम में राजाओं के राजा मसीहा के लिए जगह नहीं थी। आगे देखेंगे, आसमां से उतरी हुई उस रोटी की कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखते, लोग उसे अपना मुख मोड़ लेते थे, लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया और उस स्वर्गीय राजा को देखना ना चाहा। यशाया 53 खोला हुआ आपने, दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िए। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखते, हम उसे चाहते, हम उसे उठा लेते, हम उसे अपने साथ ले लेते, लोगों ने उसका इनकार किया। पढ़िए, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, ना हम उसको देखते ना उसको चाहते। स्वर्गीय बादशाहों का बादशाह इस जमीन पर आने वाला था, वो आ रहा था और हमने उसको नहीं चाहा, हमने उसको देखना तक नहीं चाहा। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा की वाणी कह रही है, आखिरकार वो एक सराय के दरवाजे पर गया और सराय वालों ने कहा, इस सराय में आपके लिए जगह नहीं है। आप सब जानते हैं उस सराय में जितने जानवर थे ना, वो देख गए, वो पहचान गए, वो उसकी सुंदरता को निहार गए, उन्होंने चाहा, उन्होंने भिन भिनाना शुरू किया, जानवरों ने आवाजें लगाई, हे प्रभु हमारे यहां आ जा, हमने अपना दरवाजा खोला है। और कह दिया गया कि सतबल में जगह, जानवरों में जाना चाहते हो तो वहां रुक सकते हो। इंसानों ने इनकार किया और जानवरों ने उसका इस्तकबाल किया और वो स्वर्गीय रोटी
जो आसमां से उतरी उन्हीं जानवरों का चारा बनकर उस चंगी में आ गया। हालेलुया, खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मौजू था कि राजाओं के राजा के लिए बैतलहम में जगह नहीं है। कल और प्रचार होगा, कुछ और हिस्सा आपके सामने सुनाया जाएगा, कुछ और हिस्सा भी आपके सामने पढ़ा जाएगा। तुम अपने परमेश्वर मसीहा का अनुग्रह जानते हो पर पहचानते नहीं। वो आपके दरवाजे पर आया, आपने दरवाजा नहीं खोला है। तुम खुदा का अनुग्रह जानते हो, वो आसमानी सिंहासन छोड़ करके आपकी खातिर इस दुनिया में आया है, आपने जाना नहीं है, आपने उस महाराज को पहचाना नहीं है। वो गरीब हो गया, वो कंगाल हो गया, वो दुखी हो गया ताकि आप अमीर हो जाए, आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, आपने जाना नहीं। किसने विश्वास किया? जो सुसमाचार आपको दिया गया, जो खुशी का पैगाम आपको दिया गया, किसने विश्वास किया? बड़ा दिन आएगा, चला जाएगा, किसने विश्वास किया, किसने जाना, किसने पहचाना? दूसरा क्रंथियों निकालेंगे, उसका 8वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत जो है वो बयान कर रही है, तुम प्रभु मसीहा का अनुग्रह जानते हो पर पहचानते नहीं। वो कंगाल हो गया कि आप अमीर बन जाएं, वो दुखी हो गया कि आप सुखी हो जाएं। पढ़िए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। सुन रहे हैं, उसने आसमानी तख्त जो है वो आपकी खातिर छोड़ा है, वो आपकी खातिर कंगाल हो गया है कि आप अमीर हो जाएं। उसके आने के मरण को जान, वो बैतलहम के हर दरवाजे पर गया है, उसके लिए दरवाजा नहीं खुलना। आगे जाओ, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह आने वाला था, किसी ने विचार नहीं किया, किसने नहीं सुना। वो कंगाल हो गया कि आप धनी हो जाए, आप अमीर हो जाए। लोमड़ियों के भक्त परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन मसीहा को सिर धरने की जगह नहीं। लोगों के पास बहुत बड़े बड़े महल थे, बहुत बड़े बड़े बंगले थे, बहुत सारे होटल्स थे, पर उसके लिए जगह नहीं। मती के गीत 8 बाप उसकी 20वीं आयत ज्ञान करती कि खुदा के बेटे मसीहा के लिए सिर धरने की जगह नहीं। 8वीं, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसके लिए जगह नहीं है। आज की दुनिया में लोग चाहते हैं, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरे पास लॉन भी हो, मेरे पास कार की गैराज भी हो, मेरे पास कार लॉन में बैठने के लिए बहुत सारी चेयर्स भी हो, सिंहासन हो, लेकिन खुदा के बेटे मसीहा के लिए कोई जगह नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, बुजुर्गों,
सबसे कहना चाहता हूं कि आपको खुदा के लिए जगह बनानी होगी। उस स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को अपने दोनों हाथों से कबूल करना होगा। उस रोटी में से जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी का मैंने पहले मतलब बता दिया, उसका मतलब ही था कि स्वर्गीय रोटी। आपको अपने दिल में जगह बनानी होगी, आपको अपने परिवारों में खुदा के लिए जगह बनानी होगी। जिस दिन आपके दिल में जगह बन जाएगी ना, जिस दिन आपके परिवारों में खुदा के बेटे के लिए जगह बन जाएगी, आपका बड़ा दिन हो जाएगा। नहीं तो सारे के सारे दिन जो है वो छोटे ही छोटे रहेंगे, बल्कि और छोटे होते रहेंगे। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत आशीष दे। सुबह का वक्त ड्यूटी का वक्त होता है, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जितना वक्त मिलता है खुदा की हजूरी में आपको ले चलता हूँ। कल भी चलेंगे इसी तरह खुदा की हजूरी में, और कल का जो डिवोशन होगी, कल का जो प्रचार होगा, वो बता देना चाहता हूँ कि खुदा के लोगों ने कहा, आओ हम खुदा के बेटे मसीहा को देखें। कल हम देखेंगे खुदा के बेटे को अपनी आंखें पढ़ेंगे, अपने हाथों में जोड़ेंगे। खुदाया हम सब पे रहम कर दे, हम तेरा बैतलहम जो स्वर्गीय रोटी का शहर कहलाता है, हम वो बन जाएं और हम उस रोटी को अपने दोनों हाथों से लेने के लिए राजी हो जाएं, अपने मनों को खोल दें, अपने परिवारों को खोल दें, उन सब दरवाजों को खोल दें और तुझे खुशामदीद कह सके, तुझे जी आया कह सके खुदावंद बाप, क्योंकि तूने इस जगत के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उन शब्दों को हम जाने, उन शब्दों पर हम विश्वास करें खुदावंद बाप, और आने वाले दिनों में जब हम तेरे पाप और पवित्र भवन की तरफ, तेरी चरणी की तरफ बढ़ते हैं, तेरे इकलौते बेटे मसीहा की तरफ बढ़ते हैं, हमें अकल दे दे, हमें बुद्ध दे दे, इस प्रचार को, इन वचनों को समझने की ताकत दे दे खुदावंद बाप, ताकि हमारा बड़ा दिन जो है वो सचमुच में एक बड़ा दिन हो जाए। आने वाला नया साल जो है वो सचमुच में हमारे लिए एक नया न्यू ईयर जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाए, उस खुदा के नाम से जो हमें मांगना सिखाता है। ऐ हमारे पिता जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो, रोज की रोटी आज हमें बताए, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर दे, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहे। हम आशीष के अंदर में जा रहे हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए, उस स्वर्गीय रोटी को, उस स्वर्गीय मसीहा को कबूल करने जा रहे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिदाकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, और आज जितने बच्चों ने अपने हाथों को तेरे सामने खोला है उनके साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।